hello friends welcome back to my channel basic linguistics today we are discussing about behaviorism so uh, this is about the concept behaviorists believe that infants learn language through a process of imitations modeling on their parents or caretakers reward and reinforcement तो जितने भी आप बिहेवियरिस्ट पढ़ेंगे उनमें उनका एक बिलीव था कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं वो लैंग्वेज को कैसे लर्न करते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ इमिटेशन्स मॉडलिंग ऑन देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो भी जितने जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं या केयर गिवर्स होते हैं उनके थ्रू जो उनको इमिटेट कराया जाता है उसके बेस पे उनको रिवार्ड देना या रि, आ, एन जो भी रिनफोर्समेंट देते हैं उसी के बेस पे बिहेवियरिस्ट का मानना है कि जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज को सीखते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग कंसीडर्स ऑल लर्निंग एज इस, इस्टैब्लिशमेंट ऑफ हैबिट वाया री एंड रिवार्ड और क्या करते हैं धीरे धीरे बिहेवियरिस्ट देखो सबसे पहले तो बिहेवियरिज्म समझते हैं बिहेवियरिज्म होता क्या मतलब हमारे बिहेवियर से जो हम सीखते हैं हमारे बिहेवियर के थ्रू ही लैंग्वेज को सीखना वो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी में आएगा अब बिहेवियरिस्टिक थ्योरी एक स्टिमुलस और रिस्पांस लर्निंग कंसीडर करता है जैसे स्टिमुलस मतलब कोई चीज़ हम कर रहे हैं और रिस्पांस मतलब उसका रिस्पांस क्या आ रहा है अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रिवार्ड दिया जाएगा अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो उसके लिए पनिश किया जाएगा तो स्टिमुलस मतलब अपनी तरफ से जो एक स्टिमुलस देते हैं और रिस्पांस मतलब उसका क्या आपको परिणाम मिलता है तो कुछ इस तरह से बिहेवियरिस्ट थ्योरी में ये इसका कॉन्सेप्ट है एंड ये एक तरह से एक हैबिट को इस्टैब्लिस कर पाता है क्योंकि जब हम उसी चीज़ को जब छोटा बच्चा होता है ठीक है उसको हम कोई भी चीज़ के लिए अगर मना करते हैं तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है दैट इट इज़ नॉट गुड और वो उस चीज़ को छोड़ देता है एक हैबिट उसकी बन जाती है वो चीज़ वो नहीं करता और अगर हम कोई अगर उसने ऐसा काम किया जिससे हम उस, उसकी तारीफ़ करते हैं या उसको रिवाड देते हैं कोई चॉकलेट दे दिया पेंसिल दे दिया या उसको हमने तारीफ़ किया तो वो क्या करता है कि वो उसको एक हैबिट में बना लेता है और सोचता है कि अगर मैं यही चीज़ रोज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे रिवाड मिलेंगे सो बिहेवियस थ्योरी कुछ इस प्रकार से हमको बताती है इट इज़ अज्यूम दैट वेनएवर अ चाइल्ड अटैम्प्टरल लैंग्वेज और इमिटेट्स द साउंड दे वुड बी प्रेज्ड और गिवेन एन अफेक्शनेट रिस्पॉन्स फॉर देयर एफर्ट्स ठीक है तो इसमें क्या होता है इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जब भी बच्चा कोई भी ओरल लैंग्वेज को अटैम्प्ट करता है ओरल लैंग्वेज को अटैम्प्ट करना मतलब कुछ भी वो बोलता है अगर तो सो दे वुड बी प्रेज्ड वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हमको और ज़्यादा उसके लिए प्रेज किया जाएगा और एक और एक अफेक्शन अफेक्शन दिखाते हैं एक अफेक्शन मेंटेन कर लेते हैं जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमको उसके लिए प्रेज मिलेगा और अफेक्शन मिलेगा सो दिस प्रेज और सम काइंड ऑफ बूस्टर्स आर रिवार्ड रिफर्ड टू इन अविय प्रिंसिपल तो इसका मतलब ये है आप पूरी तरह से ये समझिए कि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो वी ऐसा बिलीव करते हैं कि जो शिशुए होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज कैसे सिखाया जाए उनको लैंग्वेज सिखाने का वो मतलब एक तरह से अगर वो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं वो बिहेवियरज़म पे डिपेंड करता है बिहेवियरिज़म मतलब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब हम कुछ कुछ वो बोलते हैं या किस चीज़ के लिए हम उसको प्रेज करते हैं तो रिवार्ड देते हैं तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू हैविचुअल कर लेते हैं और जो चीज़ उनकी एक हैबिट एक बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाती हैं तो ये लैंग्वेज लर्निंग बिहेवियर थ्योरी का एक मेन पार्ट है और रिवार्ड और पनिशमेंट जो होते हैं इनके एक कहना चाहिए कि परिणाम के स्वरूप हम देखते हैं कि अगर हम किसी को अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए रिवार्ड और अगर वो चीज़ें सही नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए पनिश करते हैं मतलब कोई भी प्रोनान्सीशन आप ले लो कोई भी प्रोनान्िएशन बच्चों को बोलो अगर वो सही बोलता है तो आप अगर उसको रिवॉर्ड करते हैं या प्रेज़ करते हैं उसको खुशी मिलती है वो तो वो समझता है कि ये चीज़ मुझे रोज़ करनी है वो हैविचुअल बन गया अगर कोई हम कोई उसको वर्ड बोलने के लिए बोल रहे हैं और वो गलत बोलता है तो हम उसको उस समय पनिश करते हैं या उस समय उसको टोंक देते हैं तो वो धीरे धीरे समझता है कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है देन वो धीरे धीरे वो बिहेवियर में आ जाता है तो ये मेन था और और कुछ देख लेते हैं जैसे लैंग्वेज लर्निंग सो कॉम्प्लेक्स ऑफ इनोमिन इज इक्वेटेड विद अदर लर्निंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन अ चाइल्ड्स ग्रोथ दे एक्सटेंडेड द स्टडी दैट दे फाउंड टू बी सक्सेसफुल इन एनिमल टू एक्सप्लेन ह्यूमन लैंग्वेज लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं जब हम किसी कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए, उसके बेसिक्स को जानने के लिए उस वो सच में काम कर रहा है या नहीं तो उसके लिए हम एक बार पहले तो एनिमल्स में वो चीज़ें करते ही हैं तो ये थे, इस थ्योरी में बिहेवरिस्ट थ्योरी में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं एनिमल्स पर उसके बाद ही इसको अप्लाई किया गया है ह्यूमन्स के लिए अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस द बेबीज ऑप्टेन नेटिव लैंग्वेज हैबिट्स थ्रू वेरीड बेबलिंग्स विद रिजम्बल द अप्रोप्रिएट वर्ड्स डेट ही हैज़ परसिव्ड फ्रॉम हिज इन्वायरमेंट इसमें क्या होता है कि बेबी क्या होता है जो बेबीज़ होते हैं वो नेटिव लैंग्वेज़ को हैबिट के थ्रू सीखते हैं बेबलिंग करते हैं जैसे हम सुनेंगे कोई चीज़ों को कोई कोई भी बच्चा है अगर वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं उनको सुनता है तो वो चीज़ें उनके नेटिव लैंग्वेज का जो भी वर्ड रहेगा वो उसको हैबिचुअल बनाता चलता चला जाता है और सो so, फिर उसको ये समझ थोड़ा सा अप्रोप्रिएट वर्ड्स क्या हैं और उस हिसाब से वो बैबल बैबलिंग भी करते रहता है और पॉजिटिव अटरेंसेज आर कंसिडर टू बी रिवार्डेड एंड द री इनफोर्समेंट रिनफोर्सेज फर्दर आर्टिकुलेशन जो पॉजिटिव अटरेंसेज होती हैं अगर वो इसी बीच में एक पॉजिटिव अटरेंस लाता है पॉजिटिव अटरेंस का मतलब है कि वो अगर वो पॉजिटिवली उस चीज़ को करने लगता है बैबल करने लगता है अच्छी चीज़ें बोलने लगता है या वर्ड को सही तरीके से वो प्रोनंस कर पाता है तो उसके लिए क्या करते हैं उसको रिवार्ड करते हैं और उसको हम आगे आर्टिकुलेशन के लिए सेम आर्टिकुलेशन के लिए उसको हम रिवार्डेड करते हैं वेल द अनएक्सेप्टेबल अट्रेंसेज विच आर नॉट रिवार्डेड विल सोन बी डिस्कारड बाई द चाइल्ड और फिर जब कुछ अगर वो अनएक्सेप्टेबल अट्रेंस अगर बोलता है अगर कोई भी कोई भी चीज़ ऐसा वो प्रोनाउंस करता है जिसके लिए हम उसे रिवार्ड नहीं देते या उसको पनिश करते हैं तो वो उस चीज़ को फिर आगे चल के वो बच्चा क्या होता है वो छोड़ देता है उसको नहीं बोलता दो दिस ट्राइल एंड एरर प्रोसेस ही सीक्स टू रीच द लेवल ऑफ़ फ्लुएंसी और अदर स्पीकर कम्युनिटी और कहा जाता ये है कि जब यही ट्रायल चलता रहता है बार बार यही सारी चीज़ें उसके साथ होती रहती हैं एरर प्रोसेस होती रहती हैं तो इसी के बीच में ही फिर वो जो लेवल ऑफ फ्लुएंसी में पहुँच जाता है बच्चा और uh, एक वो जो भी स्पीच कम्युनिटी है या जो भी नेटिव लैंग्वेज को उसको अच्छे से वो स्पीच कर सकता है तो ये बिहेवरिज्म uh, uh, के बारे में था सो वॉट इज़ बिहेवियरिज़म लर्निंग थ्रू अ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव रिवार्ड जस्ट ये सोचना है कि रिहेवरिज्म क्या है तो हमें एक लर्निंग का मतलब जो भी लैंग्वेज को सीखना है लर्निंग करना है वो किसके थ्रू करना है एक पॉजिटिव और निगेटिव रिवार्ड के थ्रू करना है हमको अच्छाई किस चीज़ में अच्छाई मिल रही है किसी में नहीं मिल रही है इसके थ्रू भी करना है ह्यूमन लर्निंग इज परसीव्ड एज प्योरली ऑब्जेक्टिव ठीक है तो ह्यूमन लर्निंग क्या है एक मतलब जब वो कुछ चीज़ों को सीखता है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि उस समय उसको इतना समझ में नहीं आता तो जो चीज़ें वो इन्वायरमेंट से पाता है उसको एक ऑब्जेक्टिव प्योरली ऑब्जेक्टिव होता है और वही सारी चीज़ों को परसीव करता है लर्निंग इज़ मैनिफेस्टेड बाई चेंज इन बिहेवियर और ये क्या कर देता है आपके लैंग्वे आपके जो बिहेवियर है उसमें भी चेंज करता है कई बार क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कई कई बार हम गलत चीज़ों को या गलत चीज़ें सीखते हैं गलत लैंग्वेजेस को बोलते हैं और वो चीज़ें हम आ, हम कुछ टाइम तक बोलते हैं बट जैसे जैसे हमको समझ में आता है दैन बिहेवियरिज्म में वो सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं लर्निंग इज़ एक्रीडिएटेड टू कंडीशनिंग और वंस इन्वायरमेंट ठीक है इसमें क्या होता है एक कंडीशन दिया जाता है आपको कई बार होता है उसको समझाने के लिए उसको सिखाने के लिए कंडीशंस भी दी जाती हैं और इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उसके बेस पे हम हम उसको बिहेवियरिज्म में कैसे ला पाते हैं उसके बारे में भी देख लेंगे अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड बाई एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टीमुलाई स्टीमुलाई मैंने आपको पहले भी बता दिया इवेंट्स इन अ इन्वायरमेंट जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिल रही हैं एंड रिस्पॉन्स मतलब ऑब्जर्वल बिहेवियर उसको हम कैसे uh, एक ऑब्जर्वेबल uh, जो बिहेवियर हमारा निकलता है जो परिणाम जो रिजल्ट निकलता है वो आपका रिस्पॉन्स हो गया एंड बिहेवियरिज्म इज अ प इन साइकोलॉजी दैट इज based on the premise that it is not possible to objecty or objectively study the mind and therefore that psychologists should limit their attention to the study of behavior itself तो एक तरह से psychology का आप समझ सकते हैं क्योंकि इसमें एक तरह का psychology काम करता है और इसमें um, साइकोलॉजिस्ट क्या होते है साइकोलॉजिस्ट शुड लिमिट देयर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर इट तो साइकोलॉजी की बात करें तो ये क्या करते हैं बिहेवियर में थोड़ा सा लिमिटेशन रख देते हैं उतना ज़्यादा मतलब बिहेवियरिज्म को लेकर नहीं बोलते बट बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट अवर रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट स्टीमलाइज सेप आवर एक्शंस तो बिहेवियरिस्ट का ये मानना हो जाता है कि जो हम रिस्पॉन्स हमें मिलता है हमारे इन्वायरमेंट से वो एक तरह से वो स्टिमुलाई हमें हमारे एक्शंस को सेव करने में मदद करता है जो भी रिवार्ड हमको मिलेगा जो भी हमें रिस्पांस मिलता है उस चीज़ों को हम जब देखते हैं तो हम अपनी स्टिमुलाई में कहीं ना कहीं जो हमारी बिहेवियर है उसमें चेंज कर पाते हैं और मेज़र कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जैसे कि बिहेवियरिज्म के फील्ड पे कौन कौन मेजर कंट्रीब्यूटर हैं कौन कौन किन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो पहला नाम आ जाता है इवान ईवान पैट पे, पेट्रोविच पावलो इवान पेट्रोविच पावलो के बारे में देखेंगे तो इवान पेट्रोविच पावलो वॉज बोर्न ऑन सेप्टेम्बर फोर्टीन एटीन फोर्टी नाइन एट रियाजान ही स्टडीड नेचुरल साइंसेस ही इज फेमस फॉर हिज थ्योरीज ऑफ लर्निंग बाई कंडीशनिंग विच विच वर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्लेम्ड रिसर्च ऑन डाइजेशन पावलो स्टडी डाइजेशन इज इन डॉग्स तो इसने क्या किया है इन इन्होंने एक कंडीशनिंग के ऊपर इनका थ्योरी आया था और पहले इन्होंने डॉग में ही एक्सपेरिमेंट किए हैं पावलो वॉज अवार्डेड विद नोबल प्राइज़ इन नाइनटीन फॉर हिज वर्क साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन सो ये अब यहाँ पे हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर लेंगे क्योंकि ये आ, इवान पावलो के द्वारा दिया गया दिया गया है जो बिहेवियरिज्म को दर्शाता है तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे बिहेवियरिज्म इज द थ्योरी दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ ऑब्जर्वेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू अ स्टिमुलस जो कि मैंने आपको समझाया है इवान पावलोज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म एंड विनर विनर ऑफ़ द नोबल प्राइज इन साइकोलॉजी ड्यूरिंग हीज स्टडीज़ in experiments pavlov discovered the concept of classical conditioning classical conditioning involves a stimulus and response in his experiment pavlov rang a bell while presenting some food to, um, uh, uh, to his god uh, sorry dog sorry uh, the stimulus which caused him to salivate eventually his dog associated the sound of well as a stimulus and respo uh, responded By salivating. ओके okay. सो so, इसमें क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान Pavlov ने ये समझाया है कि एक तरह से बिहेवियरिज़म हम ऐसा देख सकते हैं कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट किया एक डॉग है और उसके सामने हमने एक वेल बजाया वो वेल को सुनते ही हम उसको क्या देते थे खाना देते थे तो उसके मुँह में सलाइवा आ जाता है ठीक है और एक दिन हमने बेल बजाया उसके मुंह में सलाइवा आया सेकेंड डे भी, भी बेल बजाया उसको उसके मुंह में सलाइवा आने लग गया और उसको पता है कि अभी मुझे खाना मिलेगा अगेन अगेन हमने ये ये चीज़ें की और वो इतना हैविचुअल हो जाता है इतना वो उस कंडीशन से अपने बिहेवियर में वो चीज़ें ला लेता है कि कभी भी अगर अगर उसके सामने आप बेल बजाओगे तो उसको उस डॉग को लगता है कि अब मेरा खाना आ गया एंड वो सलाइवा अपना निकालता है तो ये एक बिहेवियरिज्म इसी को ही हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं नेक्स्ट इज डॉग एक्सपेरिमेंट के वही है सेम है पावलोव का डॉग एक्सपेरिमेंट जैसे आप यहाँ पे एग्जाम देख सकते हैं इसमें हमने वेल बजाया तो ये अभी कोई सेलिवेशन नहीं कर रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको समझ में नहीं आया है इतना फर्स्ट टाइम डॉग को नहीं पता बेल बजाओ ना बजाओ उससे कोई मतलब नहीं था सेकेंड टाइम जब वेल बजाया गया और उसको खाना दिया गया तो उसके मुँह में सलाइवा आया और ऐसे ही उसको जैसे उसको इतना पता चल गया कि अब जब वेल बजेगी तो मेरे लिए खाना आएगा देन अगेन क्या करते हैं आफ्टर कंडीशनिंग वो ये क्या है बिफोर कंडीशनिंग जब सेलेवा नहीं आता ड्यूरिंग कंडीशनिंग ड्यूरिंग कंडीशनिंग मतलब हम उसको एक कंडीशन में देते हैं हम बेल बजाएंगे तभी खाना मिलेगा ये एक कंडीशन है उस टाइम पे सलाइवा आया तो उसका एक बिहेवियर बन गया और नेक्स्ट आफ्टर कंडीशनिंग भी जब हम बेल बजाते हैं और खाना नहीं देते फिर भी उसके मुंह में सलाइवा आता है तो एक तरह से ये बिहेवियरिज्म था और ये क्लासिकल कंडिशनिंग uh, का एक थ्योरी है जो कि पावलो द्वारा दिया गया है नेक्स्ट आ जाता है आपका जे वी वाट्सन जॉन ब्रॉडस वाटसन John, uh, Broadus, uh, Watson, Was born on January 9, 1878. He was a pioneering psychologist.

स्किनर की बात करेंगे तो बी एफ स्किनर वॉज बॉर्न ऑन मार्च ट्वेंटी जीरो फोर इन ना न्यूयॉर्क स्किनर वॉज नेम्ड द मोस्ट इंफ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ही रिसर्च ऑन बिहेवियर एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ही वर्कड ऑन पीज़न्स एंड रेड तो याद रखना जो इवान पावलोव थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे वर्क किया था और इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग पर वर्क किया हुआ है यहाँ पे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझ लेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग अ लर्निंग प्रोसेस इन विच द सब कॉन्सियस सॉरी सब सब कॉन्सिक्वेंस विच फॉलो आर रिस्पॉन्स डिटरमाइन वेदर द बिहेवियर विल बी रिपीटेड बिहेवियर विल लाइकली टू लाइकली बी रिपीटेड दैट हैज बीन री इन्फोर्स एंड ट्रेंड टू टेन नॉट टू रिपीटेड विद पनिशमेंट यहाँ पे समझेंगे ओके सो ये क्या है नॉन नॉन फूड री इन्फोर्समेंट है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने इसको कोई खाना वाना नहीं दिया सेकेंड में यहाँ पे देखेंगे इसको खाना मिला और फिर रिपीट मैनी टाइम्स कई बार उसको अगर हम रिपीट करते हैं आफ्टर दैट वो वापस उसको लगेगा कि खाना हमें मिल रहा है तो वो दौड़ के आएगा सो लाइक दैट तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं पहले वो चुपचाप बैठा हुआ है इसको हमने सिर्फ हाथ दिखाया और उसको बुलाने की कोशिश की वो नहीं आया सेकेंड टाइम जब हाथ हाथ दिखाया उसमें हमने कुछ रखा तो वो आ गया आफ्टर दैट जब नेक्स्ट टाइम हम हाथ ऐसा लेके आएंगे सामने उसके तो उसको लगेगा अभी मेरा खाना आएगा तो वो दौड़ के आएगा तो कुछ इसी प्रकार से जैसे हमने उसको क्लासिकल कंडीशनिंग को समझा था कुछ इसी प्रकार से ऑपरेंट कंडीशनिंग भी है और इसका जो एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है तो ये ये क्या है लर्न दैट बिहेवियर बिकम हैबिचुअल वेन डिज़ायर्ड इफ़ रिवार्डेड रिवार्ड्स एज गारंटीड तो इसमें क्या होता है इसमें बिहेवियरिज्म के की थ्योरी के बारे में ही इसमें भी बताया गया है जिसमें एक रैट है रैट को एक एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के तो थ्योरी के ऊपर इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें उसमें कुछ स्टिमुलस देते हैं उसके बेस पे उसको रिस्पांस मिलता है तो जैसे ही आप ये बॉक्स देख रहे होंगे एक बार पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ स्टेप वन में क्या है अ हंग्री रेट इज प्लेस्ड इन इन द ऑब्जर्वेशन चैम्बर सेकेंड इज द रैट रोम्स अराउंड अंटिल एक्सीडेंटली नॉकिंग द लीवर थर्ड इज द रैट रिसीव्स अ फूड पैलेट एंड फोर्थ इज़ द रैट रिपीट्स द एक्शन सेवरल टाइम्स टू रिसीव फूड तो ये एक आपका ये आपका देखो एक बॉक्स बना हुआ है बॉक्स के अंदर एक रैट को रखा गया है रेड क्या करता है रेड को अभी नहीं पता वो बस कूदता फानता ऐसा घूमता है उसको बहुत भूख लगी रहती है अचानक एक यहाँ पे उसको पहले लीवर मिलता है उसको वहाँ पे वो गलती से टच कर देता है तो क्या होता है जैसे ही वो टच करता है खाना अंदर आ जाता है नेक्स्ट टाइम फिर उसको ये समझ में आने लगता है वो बार बार जब ये सारी चीज़ें रिपीट करता फिर से उसको टच करेगा फिर से उसको खाना मिलेगा फिर दोबारा वो घूमता भागता फिर से टच करेगा फिर उसको खाना मिलता है तो कुछ इस तरह से वो फिर एक हैबिचुअल बन जाता है उसके लिए उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं इसको टच करूँगा तो मुझे खाना मिलेगा तो एक तरह से ये एक हैब, हैबिट उसकी बन जाती है और यही चीज़ वो समझाना चाहते हैं बी एफ स्किनर की अगर हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और हमें पता है कि उससे हमें कुछ अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उसको बार बार करने लगते हैं और अगर जब पता चलता है कि उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो हम उसको छोड़ देते हैं तो कुछ इस तरह है बिहेवियरिस्ट थ्योरी अब इसी का एप्लीकेशन में आप ये देख सकते हैं कि न, क्लासरूम रूम एप्लीकेशन को हम कैसे इसको समझ सकते हैं कि एक मतलब एनिमल्स में तो हमने समझ लिया बट क्लासरूम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं तो जैसे टीचर है ठीक है टीचर है एडमिनिस्टर्स ड्रिल्स टू हैव द चिल्ड्रन रिपीट ठीक है क्या करता है कि आप बार बार हम जानते हैं ना जो छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं स्कूल्स में या आप क्लासरूम में देखें देखोगे तो उसको रिपीटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है लाइक कोई भी वर्ड को अगर वो प्रोनाउंस किया जाता है उसको बार बार बोलना सो ए कॉन्ग्रेचुलेट चिल्ड्रेन फॉर करेक्ट आंसर और जब हम उस चीज़ को बोलते हैं और वो सही सही बोलने लगता है तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं बधाई देते हैं उसको अगर आ, हम प्रेज करते हैं तो वो खुश हो जाता है रिपीट द इंफॉर्मेशन और उसको बार बार फिर वो सही तरीके से रिपीट करने लगता है गिव रिवार्ड्स फ़ॉर गुड वर्क हम उसको अच्छे काम के लिए आ, क्या करते हैं रिवार्ड करते हैं स्टूडेंट का क्या है इसमें प्ले एजुकेशनल गेम्स राइट द सेम इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर डू कंप्यूटर वर्क एंड डजेंट मूव ऑन अंटिल द करेक्ट आंसर इज गिवेन रिपीट वॉट द टीचर सेज तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट भी करता है एक जो भी एजुकेशनल गेम्स है उसको खेलना और जिसमें उसको टीचर के द्वारा रिवार्ड मिले और राइट द सेम इंफॉर्मेशन ओवर द ओवर और बहुत अच्छे मतलब रिपीटेशन में वो सही सही इंफॉर्मेशन दें और कुछ कंप्यूटर वर्क्स भी हैं जिसको वो करे और जब जब तक कि करेंट जो उसके करेक्ट आंसर्स हैं वो ना मिल जाए साथ ही जो भी टीचर्स कह रहा है उसको रिपीट करना तो ये सारी चीज़ें उनकी अच्छी आदतों में आ जाती है तो क्लासरूम में कुछ इस प्रकार बिहेवियरिज्म को हम समझ सकते हैं सो आई होप आप लोग को बिहेवियरिज्म का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर थैंक यू सो मच